हेलो एंड वार्म वेलकम टू सारा फाउंडेशन। बच्चों, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके माइंड में एक चीज ये चलती है कि काश पेपर बोर्ड एग्जाम का लीक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। जो बच्चे पेपर लीक को लेके सोचते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये पक्का तय है कि तुम अपने मार्क्स को लाने का जो प्रयास कर रहे थे वो तुम्हारा प्रयास क्या है पूरा होगा, लेकिन दूसरे तरीके से। बेटा, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि पेपर वगैरह तो कुछ भी लीक नहीं हुआ है। पेपर जैसे होते हैं वैसे सिस्टमेटिक वे में होते रहते हैं, उसमें कोई भी इशू वगैरह नहीं आता है। लेकिन तुम अगर ये सोच के बैठो कि भाई पेपर लीक वगैरह हो जाता मुझको पता चल जाता, तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि अगर तुम अपने माइंड को थोड़ा सा यूज करोगे तो डेफिनेटली तुम अपने बोर्ड एग्जाम में काफी बेटर स्कोर कर पाओगे। बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, लास्ट डे बचा हुआ है, और बेटा इस लास्ट डे पर तुम कुछ चीजों को समझ के अपने मार्क्स को स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो बेटा, इंग्लिश पेपर वन जो तुम्हारा होने वाला है, इस इंग्लिश पेपर वन में तुमको किन पॉइंट्स पे फोकस करना है कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो जाएं। और बेटा, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, लास्ट टाइम पर कुछ चीजों पर फोकस करके एटलीस्ट पास तो आसानी से हो सकता है। बेटा, पास होना किसी भी एग्जाम में बहुत आसान होता है, बस तुमको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से क्या चलना होता है। अगर तुम थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर लोगे तो ये पक्का तय है कि तुम पास तो जरूर हो ही जाओगे, और जिन बच्चों के 80% आने वाले होंगे उनका डेफिनेटली 90% की तरफ वो लोग पहुंचेंगे, जिनका 90 आने वाला होगा वो 95 के टुवर्ड्स पहुंचेंगे। तो बेटा चलो हम लोग बात कर लेते हैं भाई वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो बेटा देखो, जब तुमको सबसे पहले पेपर मिलेगा, तो तुमको क्या है, जो पेपर होगा वो पहले ही मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम जिस टाइम स्टार्ट होने वाला है उस टाइम से बिफोर ही आपको एग्जाम पेपर मिल जाएगा। अब पेपर को आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। अब रीड करने के बाद आपको एक चीज ये सोचना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो तुमको अच्छे से आते हैं। ये तुमको रीड करने से पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन तुमको अच्छे से आते हैं। जो भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको अपने माइंड में फ्रेम कर लो कि मुझको क्या क्या चीजें लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपको आंसर शीट राइट करने का टाइम जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को सीरियल वाइज करना है। ध्यान से सुन लीजिए, अपने आंसर को सीरियल वाइज करना है, अपने आंसर को रैंडम बेसिस पे नहीं करना है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा, तो बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुमने सारे क्वेश्चन को एक सीरियल वाइज किया होगा तो एग्जामिनर के माइंड में यह इंडिकेशन नहीं जा पाएगा कि किस क्वेश्चन के बारे में तुम कम जानते हो। ये उसी तरीके से जैसे मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 50 स्टूडेंट्स में से अगर हम कहें कौन सा स्टूडेंट सबसे वीक है, तो ये फाइंड करना एक बाहरी व्यक्ति के लिए, एक एक्सटर्नल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सेम उसी तरीके से एक एग्जामिनर के सामने बहुत सारी आंसर शीट रखी हुई है और उस आंसर शीट में सारे आंसर अपने सीक्वेंस में किए हुए हैं, तो एग्जामिनर अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के चेक करेगा तो आपकी जो मिस्टेक होगी तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। अदरवाइज वो आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने में क्या है, कहीं ना कहीं खुद से मिस्टेक कर देगा और तुम्हारे लिए बेनिफिट ही हो जाएगी, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एग्जामिनर को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़े, इसलिए तुमको क्या एक सिस्टमेटिक वे में, सिक्वेंस में लिखना है। और एग्जामिनर जब तुम्हारी मिस्टेक को ढूंढने की कोशिश करेगा तभी वो ढूंढ पाएगा। लेकिन ये आपको पता है कि भाई एग्जामिनर जो होता है उसको भी कॉपी कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी चेक करना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरा काम के जल्दी हो जाए। ये एक मानसिक सोच होती है भाई मेरा काम के जल्दी हो जाए, तो भाई वो भी चाहता है कि इसका काम जल्दी हो जाए। तो अगर इस टाइप का कोई आपके साथ एग्जामिनर लग गया तो फिर आपका काम बन जाएगा। और अगर भाई स्ट्रिक्ट चेक करने वाला हुआ तो भाई उसको एक कॉपी में चेक करने में बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, और वो देखा जाए तो भाई ये करना क्या है, बहुत ही कम टीचरों के लिए क्या है पॉसिबल होता है जो ऐसा करें। तो ये आप समझ रहे हो कि भाई मार्क्स गेन करने के लिए आपको थोड़ा एक थिंकिंग प्रोसेस समझना है कि भाई कैसे क्या हो रहा है। तो पहला काम क्या करना है, आंसर शीट को अपने क्वेश्चंस को क्या सीरियल वाइज करना है, पहला काम ये करेंगे। अब देखो दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है
कि जो मार्क्स हैं, मार्क्स के बेसिस पर आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर लें अपने टाइम को। जैसे आपको पता है कि भाई आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और उस 80 मार्क्स के लिए आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे अपने पेपर को एटलीस्ट 5-10 मिनट बिफोर अपने पेपर को कर लीजिए। 5-10 मिनट बिफोर इसलिए कर लीजिए जिससे कि आपको क्या लास्ट टाइम में जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है तो हमारा टाइम क्या कंप्लीट हो जाता है और टाइम कंप्लीट होने की वजह से हमारी जो आंसर शीट है वो एग्जामिनर द्वारा ले ली जाती है, तो फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए हम अपना पहले ही ऐसा शेड्यूल बना के चलेंगे कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो छूटे नहीं, हमारा बिफोर 10 मिनट्स ही कंप्लीट हो जाए। अब बात आती है वो शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो चलिए समझते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि होगा कंपोजिशन का। अब बेटा जो कंपोजिशन का जो मार्क है वो है बेटा 20 मार्क्स। अब बेटा कंपोजिशन में आपको ध्यान ये देना है, चूज करते समय आप उस कंपोजिशन को उठाइए जिस कंपोजिशन के बारे में आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो। बिकॉज अगर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी तो फिर आप उसको इजीली लिख पाएंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो उसको राइट करने में आप क्या टाइम लोगे। तो कंपोजिशन वो लेना है जिसके बारे में आप ज्यादा जानते हो और उस कंपोजिशन को उठाओगे तो फिर तुम इजीली राइट कर पाओगे और आपको टाइम क्या कम लगेगा। और बेटा कंपोजिशन के लिए जैसे देखा जाए भाई 20 मिनट के लिए अगर हम देखें तो बेटा देखो 80 मार्क्स के लिए 120 मिनट है, तो बेटा 1 मार्क के लिए तुम्हारा क्या है 1.5 मिनट आ रहा है। मतलब तुमको 1.5 मिनट में एक नंबर के लिए प्रयास करना है। और बेटा आपको पता है भाई कंपोजिशन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, तो बेटा 20 मार्क्स में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 30 मिनट। तो आप क्या है कंपोजिशन को 30 मिनट में कर सकते हो, लेकिन बेटा आपको क्या करना है, आपको यहां पर 5 मिनट सेव करना है। आपको क्या करना है कंपोजिशन को 25 मिनट में करना है, आपको ये 5 मिनट सेव करना है जिससे कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो 5 मिनट बिफोर हो जाए। तो पहला काम करेंगे क्या, कंपोजिशन में अपना 5 मिनट बचाएंगे और कंपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में कर लेंगे। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कौन सा, दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका आएगा लेटर राइटिंग का। अब बेटा जो लेटर राइटिंग है वो है आपका 10 मार्क्स का। अब बेटा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा 10 मार्क्स के लिए आप कितना टाइम दोगे, 10 × 1.5 मतलब आप दोगे 15 मिनट। तो बेटा 1 मार्क पे 1.5 मिनट है तो बेटा 10 मार्क्स पर आपका हो जाएगा 10 × 1.5 मिनट मींस 15 मिनट, मतलब आप लेटर को 15 मिनट में लिखेंगे। तो बेटा अगर आप 10 मिनट में राइट कर सकते हो तो बेटा आप 10 मिनट में कर लेना, अगर आप 10 मिनट में नहीं कर पा रहे तो बेटा आप 15 मिनट पूरा दे देना। तो बेटा 5 मिनट अगर आप बचा सकते हो कंपोजिशन में तो आप वो बचाएंगे और 5 मिनट बेटा आप बचाओगे किसमें, लेटर राइटिंग में। शुरुआत में हम टाइम क्यों बचाएंगे, क्योंकि बेटा लास्ट में जब हम आंसर्स करते हैं तो हमारी स्पीड क्या स्लो हो जाती है, लेकिन शुरुआत में हमारी स्पीड क्या फास्ट होती है बिकॉज हम एक्टिव होते हैं, शुरुआत में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। तो लास्ट टाइम पे क्या, अगर थोड़ी स्पीड स्लो भी होगी तो हम लास्ट टाइम में अपने विद इन टाइम पूरे पेपर को कर लेंगे। और बेटा एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर आपका कंपोजिशन आप सोच रहे हो भाई मैं तो 15 मिनट में ही कर लूंगा, मैं तो 10 मिनट्स में ही कर लूंगा, तो बेटा 10-15 मिनट्स में नहीं करना है। बेटा आपको क्या करना है, अपने कंपोजिशन को क्रिएटिव करना है। कुछ ऐसा करिए कि आपका जो आंसर है वो क्रिएटिव लगे। देखो आंसर तो सभी लिखेंगे, जो बच्चा क्रिएटिव करेगा अपने माइंड का यूज करेगा उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। देखो तुमने पूरी साल कितने कंपोजिशन पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आपने एग्जाम में आंसर शीट पर रिप्रेजेंट कैसे किया है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है, आपने एक सिस्टमेटिक वे में लिखा है, आपने उसको क्रिएटिव किया है, तो डेफिनेटली मार्क्स आपको फुल मिलेंगे या फिर आपको और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यह चीज आपको फोकस करनी है। बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आपका था लेटर वाला, तो बेटा लेटर आप लिख रहे हो तो बेटा उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्लियर लिखिए। अगर फॉर्मेट सही होगा तो बेटा मार्क्स तुमको इजीली मिल जाएंगे, अगर फॉर्मेट रॉन्ग करोगे
तो मार्क्स तुम्हारे यहां पे क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो फॉर्मेट पर अच्छे से क्या है तुमको फोकस करना है। तो दो क्वेश्चन आपके शुरुआत के हो गए। अब बेटा हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन आपका नोटिस का और ईमेल का। तो बेटा नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग, तो बेटा ये आपके क्या 5-5 मार्क्स के हैं। तो बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप क्या है 7.5 मिनट दे सकते हो। मींस 7.5 मिनट आप दे दो नोटिस के लिए और 7.5 मिनट दे दो आप ईमेल के लिए। तो आप इतना टाइमिंग क्या है दे सकते हो नोटिस के लिए और ईमेल के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नोटिस में भी वही है कि भाई नोटिस का जो अंडरलाइन होता है, जो आपका बॉर्डर होता है, उसको क्लियर बनाना है और कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अगर इनकेस गलत हो जाता है तो कटिंग एक सिंगल लाइन में करिए, उसको ऐसे रंगिए मत। अगर आप उसको रंगोगे तो फिर कहीं ना कहीं एग्जामिनर का जो आई कॉन्टेक्ट है वो उस रंगे हुए पार्ट के साथ चला जाएगा। तो आपको उसको क्या है गोल गोल नहीं काटना है, आपको उसे एक स्ट्रेट लाइन में काट देना है, बस एक सिंपल वे में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बेटा इसके बाद आपका आया क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बेटा उसमें आपका आया कंप्रिहेंशन, मतलब बेटा आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा रीड करना पड़ेगा। और बेटा रीड करने के बाद आप क्या करोगे, रीड करने का ऑब्वियसली बात है कि आप क्या करोगे आंसर्स दोगे, क्या करोगे आंसर्स दोगे। तो बेटा ये जो कंप्रिहेंशन है ये बेटा 20 मार्क्स का है। कंप्रिहेंशन बेटा कितने मार्क्स का है 20 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन पर 30 मिनट क्या दे सकते हो, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पर क्या कर सकते हो बेटा 30 मिनट दे सकते हो। और बेटा इसको आपको क्या एक सिस्टमेटिक वे में करना है, सारे आंसर्स को देना है। और बेटा मैं तुमसे ये कहूंगा कि इस कंप्रिहेंशन को 30 मिनट की बजाय आप 20 मिनट्स में करो, 30 मिनट्स की बजाय बेटा आप 20 मिनट्स में करो। क्यों करो, क्योंकि बेटा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वो ग्रामेटिकल बेस्ड है और उसमें बेटा थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा बेटा। उसमें बेटा तुम्हारे क्या है 20 मार्क्स का वो भी है, उसमें आप क्या 30 मिनट पूरे देना। बिकॉज बेटा उसमें क्या होगा आपका FIV होगा, प्रपोजिशन होगा, आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। ऐसे आपके क्या है टोटल जो क्वेश्चन होगा बेटा वो 20 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो बेटा वहां पर थोड़ा तुमको क्या सोच के आंसर देना पड़ेगा। अगर आप सोच के नहीं दोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा ध्यान देने की बात आपके लिए ये है सबसे बड़ी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके फर्स्ट आवर में कैसे भी करके आपको कंप्लीट करना है। और बेटा सेकंड आवर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो बेटा आप ये समझ रहे हो कि भाई कैसे क्या करना है। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां तक बेटा आपका 40 मार्क्स का कवर है। तो बेटा 40 मार्क्स के लिए आपने शुरुआत का 1 आवर दे दिया। और बेटा जो लास्ट का 40 मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्रिहेंशन वाला और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर पार्ट वाला, वो बेटा आपका क्या है फिर से 40 मार्क्स का है। तो आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 से लेकर बेटा आपको क्वेश्चन 3 तक क्या करना है, आपको फर्स्ट आवर में कंप्लीट कर लेना है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर बेटा 5 ये आपको लास्ट 1 आवर में करना है। अगर बेटा ये टाइम मैनेजमेंट बना के चलोगे तो आपका पेपर भी अच्छे से हो जाएगा और आपको कम समय में आप कर भी लोगे। अदरवाइज बेटा क्या होता है कि आपका पेपर क्या है कई जगह छूट रहा होता है। और ध्यान रखिएगा अगर आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 फर्स्ट आवर से ज्यादा टाइम लेता है, 1 आवर से ज्यादा टाइम लेता है, तो फिर आपको काम क्या करना है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है, आपको वो टाइम फिर कंप्रिहेंशन वाले में कैसे भी करके कवर करना है। अगर कवर नहीं करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या है छूटने वाला है। और बेटा अगर आप थोड़ा पोलाइट होके देखोगे, समझ के देखोगे, तो बेटा कंपोजिशन बेटा कोई भी लिख सकता है, लेटर राइटिंग कोई भी लिख सकता है, नोटिस राइटिंग भी लिख सकता है, आपका ईमेल राइटिंग भी कर सकता है, कंप्रिहेंशन भी कर सकता है, बेटा बचा क्या ग्रामर पार्ट। तो बेटा अगर आप ग्रामर पार्ट को थोड़ा अवॉइड करोगे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई अभी तक अच्छे से नहीं करी है तो अगर ग्रामर पार्ट अवॉइड भी कर दे तो बेटा 60 मार्क्स का पेपर है आपके पास। और बेटा उस 60 मार्क्स में से आप 50 ले आना तो भी आपके लिए सही है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है। बेटा जिस बच्चे ने पढ़ा है तो बेटा उसको तो आता होगा ना, तो बेटा वो तो 80 में से 80 भी ले आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा कहने का मेरा मतलब है कि पेपर जो ये इंग्लिश 1 है
ये बहुत इजी है और ये तुम मान के चलो कि भाई तुमको पूरे साल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, इसके लिए पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत क्या है, इसके लिए जरूरत है कि तुम अपने आंसर्स को आंसर शीट में एक सही तरीके से रिप्रेजेंट करके आओ, जो प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं उन प्रॉपर फॉर्मेट्स को समझो। और बेटा कोई भी बच्चा जो नहीं जानता है भाई लेटर का क्या फॉर्मेट है, ईमेल राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, कंपोजिशन का क्या फॉर्मेट है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुमको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जो बेटा मैंने बनाया था, पूरा टीचिंग का वीडियो है और बेटा 1 आवर का मुझे लगता है वीडियो होगा या 45 मिनट का होगा। उसमें क्या होगा बेटा, सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। तो तुम क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वीडियो के लिंक पे क्लिक करके क्या है, पूरा इंग्लिश 1 पेपर का जो क्वेश्चंस हैं, कंपोजिशन कैसे करना है, कंपोजिशन मतलब क्या लिखना है, लेटर का क्या फॉर्मेट है, ईमेल राइटिंग का क्या फॉर्मेट, मतलब 1 आवर में तुम सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। और बेटा अच्छे से पेपर देके आओ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। और बेटा पेपर देने के बाद मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में तुम्हारा पेपर कैसा गया। और बेटा मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा पेपर जरूर अच्छा जाएगा, बिकॉज ये पेपर बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम बस मेरा जो 45 मिनट का वीडियो या 1 घंटे का वीडियो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्या देख लो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खल्लास। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे होगे और पेपर को भी बहुत अच्छा देखे आओगे। तो बच्चों पेपर आप देखे आओ, आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।